अवैध रूप से शराब की बिक्री होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला हरदा से सामने आया है, जहां 80% गांवों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। बच्चों और युवकों पर इसका बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर आलमपुर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया। ये खबर हरदा जिले की है, जहां करीब 80% गांवों में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। अवैध रूप से एक ही लाइसेंस पर अनेकों गांवों में शराब संचालित हो रही है। गांव में हर दिन अपराध में वृद्धि हो रही है, साथ ही आसानी से शराब उपलब्ध होने के कारण बच्चे व युवा शराब की लत में जकड़ते जा रहे हैं। इस अवैध कारोबार से पुलिस भी अनजान नहीं है, लेकिन मोटे शुल्क के एवज में इस कारोबार को पुलिस भी अनदेखा कर रही है। शराब बिक्री से परेशान आलमपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन देने हरदा पहुंचे। अवैध रूप से बिक रही शराब से बच्चों व युवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि वे अनेक बार अवैध रूप से बिक रही शराब की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि अब अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे सब जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग ने तत्परता दिखाते हुए अवैध शराब बेचने वालों के घर कार्रवाई कर शराब जब्त कर ली है। कलेक्टर में पहुंचे हैं ग्राम आलमपुर के सारे निवासी। हमारे गांव में अरे अवैध शराब दुकानें खुली हुई हैं, जो खुलेआम बिक रही हैं, और जो लोग पी के रोड पे खड़े हो जाते हैं, वाहन रोकते हैं, और उसके बाद में बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। किसी दिन कोई दुर्घटना हो गई, इससे पहले दुर्घटना तो हो चुकी है, दो बच्चों की जान चली गई खाने पीने नशीले पदार्थ लेने के चक्कर में। आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम यहाँ आवेदन देने आए हैं। आज हमने थाने में भी देके आए, और इससे पहले 19 जनवरी 2023 को भी हम ग्राम चौपाल में ये आवेदन जो दे चुके हैं, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, विशेष कार्रवाई हुई नहीं है। और आज फिर हम अवगत कराने आए हैं कि ये अवैध दुकानें बंद हों, और आज से ही बंद होना चाहिए, उन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।